हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निधिविश्वकर्मा। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी वीडियो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि फेक आईलेसेस कैसे अप्लाई करें इजी तरीके से। और बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए फेक आईलेसेस अप्लाई करना बहुत टफ होता है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं यहाँ पर फेक आईलेसेस को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मस्कारा, जो फेक आईलेसेस से पहले अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियल आईलेसेस और फेक आईलेसेस मिक्स हो जाएं। तो उससे पहले मैं यूज़ करूँगी मस्कारा, तो मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी आईलेसेस पर। अच्छी तरीके से आईलेसेस पर मस्कारा अप्लाई करूँगी, जिससे कि फेक आईलेसेस अप्लाई करने पर दोनों आईलेसेस मिक्स हो जाएं, रियल और फेक दोनों। फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी हुडा ब्यूटी की आईलेसेस और आई का ग्लू। ग्लू को मैं इस तरीके से आईलेसेस के ऊपर अप्लाई करूँगी, जैसे कि मैं वीडियो में अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरीके से अच्छे से ग्लू अप्लाई कर लेना है, जिससे भी कोई भी जगह छूटे ना और पूरे पे आईलेस ग्लू अप्लाई हो जाए। तो इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। फिर उसके अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं उसको 2 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, जब तक कि आई ग्लू ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा ग्लू ट्रांसपेरेंट हो गया है, अब मैं आईलेस अप्लाई करूँगी। तो मैंने यहाँ सेंटर से आईलेस को पकड़ के सेंटर आईलिड पर अप्लाई किया है और आउटर कॉर्नर पर आईलेस को स्टिक कर दिया है, फिर इनर कॉर्नर पर स्टिक कर दिया है। तो बस ये इजी है, कोई टफ नहीं है। तो इस तरीके से आईलेस अप्लाई हो गई है और रियल और दोनों रियल और फेक आईलेसेस को एक साथ पकड़ के जोड़ देना है, जिससे कि रियल आईलेसेस और फेक आईलेसेस अलग अलग ना लगें और रियल और फेक आईलेसेस के बीच में गैप ना रहे। तो इस तरीके से मैं सेम दूसरी आईलेस को भी अप्लाई कर लूँगी। ये देखिए, मैंने अप्लाई कर लिया है। और अगर आपको लगे कि कहीं से भी आईलेस निकल रही है, तो उसको अच्छे से दबा कर चिपका लेना है इस तरीके से। तो मैंने आईलेसेस अप्लाई कर ली हैं, तो बस इस तरीके से अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे मेन पॉइंट है कि आईलेस ग्लू को थोड़ा ड्राई हो जाने दें, जिससे कि आईलेस को अप्लाई करने पर आईलेस अच्छे से अप्लाई हो जाती है और निकलती नहीं है। और आईलेस अप्लाई करने से पहले आईलाइनर की लाइन ज़रूर दें, जिससे कि अगर आईलेसेस में थोड़ा सा भी गैप रहे तो वो नज़र ना आए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।